दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर खुशखबरी, दोस्तों मोदी सरकार देगी सभी विकलांगों को 25,000 रुपए सीधे बैंक खाते में। जी हैं दोस्तों, मोदी सरकार ने अभी एक नई योजना चलाई है जिसके तहत सभी दिव्यांगों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आपको इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है, कैसे फॉर्म भरना है और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। इस वीडियो में आगे आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपको बता दें प्रधानमंत्री विकलांग छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार दे रही है लिखने वाले विकलांगों को 25,000 रुपए की धनराशि सीधे बैंक खाते में। जी दोस्तों, भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासन प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप इस योजना में आवेदन कर सकते हो। योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है तथा आने वाली पीढ़ी को एक प्रदान करना है। योजना में आवेदन करने की 5 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक रखी गई है। योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो पहला दस्तावेज आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फिर इसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर इसके बाद आपके पास किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए, फिर इसके बाद आपके माता पिता का पैन कार्ड होना चाहिए, फिर इसके बाद आपके पास 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो होना चाहिए। फिर कैसे करें आवेदन, आपको बताएंगे कैसे आवेदन करना है। आप अपने स्कूल कॉलेज के माध्यम से आवेदन कर सकते हो अथवा नज़दीकी CSC सेंटर जाकर इस आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों सरकार ने 2020 में यह योजना चलाई है ताकि सभी दिव्यांग अपनी अच्छी से पढ़ाई कर सकें और उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो सरकार ने 2020 में दिव्यांगों के लिए प्रधानमंत्री विकलांग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।